नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों को बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। नगर निगम के चुने गए नए मेयर, डिप्टी मेयर समेत सभी पार्षदों को जिलाधिकारी ने दिलाया शपथ। अराई थाना क्षेत्र के जनाड़ गाँव में घास काटने गए एक युवक की नदी में डूबने से हुई मौत। और गायघाट थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कार से 119 लीटर शराब के साथ चार लोगों को किया गिरफ्तार। ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मेयर, डिप्टी मेयर समेत सभी पार्षदों को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाई। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने नगर निगम मुजफ्फरपुर के चुने गए नए मेयर, डिप्टी मेयर समेत 49 पार्षदों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। सबसे पहले सभी वार्ड पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा को शपथ दिलाई गई और अंतिम में मेयर निर्मला साहू को शपथ दिलाई गई। नगर निगम में पहली बार जनता द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर चुना गया था, जो आज अपने पद पर काबिज हो गई। इस बार जीते हुए जनप्रतिनिधियों में महिलाओं की काफी संख्या थी। शपथ ग्रहण करने के बाद मेयर निर्मला साहू ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता शहर में महिलाओं की समस्या को दूर करना है। मैं मुजफ्फरपुर की सभी जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पे शपथ ग्रहण का जो हुआ है, मैं जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं जनता की जो भी जनता का काम होगा, जो भी सामाजिक कार्य जो कि मेरे शहर से जो मेरे नगर निगम के अधीन होगा, उसको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे अच्छे ढंग से करना। मेरा सर्वप्रथम प्रयास है अभी, जो कि जाम की समस्या, नाली की समस्या। वहीं दूसरी ओर डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता गरीबों के लिए काम करना है। मैंने आज शपथ लिया है मुजफ्फरपुर नगर निगम के महापौर के रूप में। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे मुजफ्फरपुर की जनता ने उप महापौर के लिए चुना। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरे अधिकार के अधीन जितने भी काम होंगे, मैं उसे पूरी लगन के साथ करने की कोशिश करूंगी। मेरी पहली प्राथमिकता गरीबों के लिए, उनके लिए आवास, पानी और शौचालय की होगी। उसके बाद जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है, नदी नाले की जो दिक्कतें हैं, सड़क की जो प्रॉब्लम है, उनको मैं पूरी करूंगी। महिलाओं के लिए मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि स्वरोजगार देना, महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उनके लिए पब्लिक टॉयलेट दूँ। उनकी सुरक्षा के लिए मैं चाक चौराहे पर हेल्पलाइन दूंगी और मॉनिटरिंग करती रहूंगी। इसके अलावा मैं फ्री क्लिनिक हर एक वार्ड में कोशिश करूंगी कि लोगों को, जो गरीब जनता है, उनके लिए मैं फ्री क्लिनिक बना सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी जन प्रतिनिधियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। के निर्वाचित सदस्यों का, वार्ड मेंबर्स, डिप्टी मेयर और मेयर का शपथ ग्रहण समारोह आज था और उस उपलक्ष्य में यहां पर सभी लोग उपस्थित हैं और सभी लोगों को आज प्रतिज्ञान शपथ कराया गया है, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड मेंबर्स ने आज शपथ लिया है। अराई थाना क्षेत्र के जनाड़ गांव में घास काटने के दौरान नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। अराई थाना क्षेत्र अंतर्गत जनाड़ गांव में घास काटने के दौरान नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के ही 36 वर्षीय संजय पासवान के रूप में हुई है। घटना के बारे में मृतक के भतीजे सूरज कुमार ने बताया कि रोजाना की तरह आज भी वह घास काटने गए थे, इसी दौरान पांव फिसलने से नदी में जा गिरा, जिस कारण डूबने से उसकी मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीण की भीड़ जुट गई, फिर सबको पानी से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH में लाया गया। घास काटने गए, उसी क्रम में पैर फिसल गया नदी में, वही डूब के मर गए। क्या नाम था मृतक का? संजय पासवान। उम्र कितना रहा? 36 वर्ष। ये हर दिन जाते थे घास काटने? रोज जाना जाते थे घास काटने। तुम्हारा क्या नाम है? सूरज कुमार। कौन है तुम? चाचा है। मेयर और डिप्टी मेयर के शपथ लेने के बाद निगम कार्यालय में हलचल तेज हो गई। मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर और उप मेयर सहित 49 वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण शुक्रवार के दोपहर संपन्न होने के बाद नगर निगम में मेयर और उप मेयर की निगम पदभार ग्रहण को लेकर निगम परिसर में हलचल बढ़ गई है।
निगम कार्यालय में नवनिर्वाचित मेयर और उपमेयर चेंबर में उनके नाम का सिलापट लगाकर चेंबर को साफ सुथरा कर दिया गया है। कयास लगाई जा रही है कि खरमाश होने के कारण 14 जनवरी के बाद ही नवनिर्वाचित मेयर और उपमेयर नगर निगम में पदभार ग्रहण करेंगे। अभी तक तय नहीं है कि किस तिथि को दोनों नगर निगम में अपने चेंबर में प्रवेश करेंगे, जिसे लेकर नगर निगम कर्मचारियों के बीच तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह ने नए मेयर और उपमेयर को बधाई देते हुए कहा कि नगर निगम कर्मचारियों का उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। जो शपथ ग्रहण हुआ है नए मेयर और उपमेयर का, हम लोग हार्दिक बधाई भी देते हैं और पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि उनके कार्यकाल में कदम से कदम मिला के चलूँगा और जो भी संगठन की ओर से सहयोग बन पाएगा वह सहयोग मैं करूँगा। चेंबर उम्बर को सजा दिया गया, चेंबर उम्बर सब रेडी पोजीशन में है, जिस दिन वो आ जाएंगे उस दिन हम लोग उनका स्वागत के लिए तैयार है संगठन की ओर से। संभावना कि खरमाश के बाद उम्मीद है कि मंगल को आना चाहिए। क्या उम्मीद है आप लोग की? हम तो आशा करते हैं कि जिस तरह से हमने कदम कदम मिला के चलने का आश्वासन दिया है उस तरह से उनको भी कर्मचारी का जो भी छोटा मोटा समस्या उनके स्तर पर होगा उसका निदान समय समय पर कर देना चाहिए और होगा भी उम्मीद है। सत्येंद्र प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन पटना। जातीय जनगणना को लेकर नगर निगम सभागार में उपनगर आयुक्त ने मास्टर ट्रेनर और सुपरवाइजर के साथ बैठक की। जातीय जनगणना में मास्टर ट्रेनरों और सुपरवाइजर को आ रही दिक्कतों को लेकर शुक्रवार को उपनगर आयुक्त मोहम्मद उसामा इब्न मंसूर की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में वार्ड 1 से 49 तक के मास्टर ट्रेनर और सुपरवाइजर के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मास्टर ट्रेनर और सुपरवाइजरों ने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जिसे जल्द ही दूर कर लेने का आश्वासन उपनगर आयुक्त ने दिया। उपनगर आयुक्त मोहम्मद उसामा इब्न मंसूर ने बताया कि लोगों के द्वारा सही जानकारी नहीं दिए जाने से जाति जनगणना में दिक्कतें आ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब सुपरवाइजर या मास्टर ट्रेनर उनके घर पर जाए, वैसे तो अभी सिर्फ घरों की लिस्टिंग की जा रही है, पर आप उन्हें सारी जानकारी सही सही दे, जिससे जाति जनगणना सफलतापूर्वक पूरा हो सके। समीक्षा बैठक हुई और उसमें जो भी हमारे सुपरवाइजर हैं तो और फील्ड ट्रेनर है, हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, तो उन सबसे परेशानी पूछी जा रही थी उन्हें फील्ड में क्या दिक्कत आ रहा है नहीं आ रहा है। और चूंकि 21 तक हम लोगों को टाइम लिमिट दिया गया 21 तक हाउस लिस्टिंग वाला काम कर लेना है जो प्रथम चरण का काम है, तो वही देख रहे हैं कि उस काम में और तेज़ी लाई जाए ताकि वक्त रहते सारा काम हो जाए 21 से पहले तक। और जिन मास्टर ट्रेनरों को जो जो दिक्कत आ रही थी या जो पर्यवेक्षक है हमारे प्रगणक, उन्हें जो भी दिक्कत आ रही थी तो सबको नोट कर लिया गया है और उस पर वर्क करेंगे ताकि जो कार्य की गति है वो और तेज़ हो जाए। दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं? दिक्कतें कहाँ पे, लोगों में थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, कई लोग आगे बढ़ करके अपना कराना नहीं चाहते हैं, अपना डिटेल्स नहीं देना चाहते हैं। बाबा गरीबनाथ डे केयर सेंटर में आयोजित दिव्यांग पुनर्वास शिविर के दूसरे दिन दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति की ओर से दादर स्थित डे केयर सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय दिव्यांग पुनर्वास शिविर के दूसरे दिन शुक्रवार को लाभुकों की संख्या में वृद्धि देखी गई। कोरोना के कारण 2 साल के बाद लगने वाले इस शिविर से लाभुकों को ज्यादा उम्मीद थी। वहीं शिविर के दौरान मंदिर प्रशासक पंडित विनय पाठक, न्यास समिति सचिव एनके सिन्हा, कोषाध्यक्ष पुरेंद्र प्रसाद, शिविर संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर अनिल धवन, डॉक्टर इंदु सिन्हा, सुरेश चाचान, डॉक्टर गोपाल फलक और जयपुर फूड के हरपाल सिंह राठौर मौजूद रहे। न्यास समिति कोषाध्यक्ष पुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि दिव्यांगों के कल्याण के लिए समिति पिछले 5 वर्षों से शिविर लगा रही है। पहले दिन और दूसरे दिन मिलाकर करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों का पंजीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि शिविर से लाभ लेने की प्रक्रिया अत्यंत सहज है। दिव्यांगों को अपने साथ पहचान पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और 1 फोटो लेकर आना है। दूर से आने वाले लोगों के लिए समिति की ओर से निशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। करीब 21 लोग आए हैं, 21 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है,
और अभी तो मौसम बहुत बढ़िया हो गया है आज, इसलिए उम्मीद है कि ज़्यादा ही लोग आएंगे। क्या उद्देश्य है इस तरह का? उद्देश्य है कि जो अपंग हैं, जिनका पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, वो असमर्थ हैं चलने फिरने में, काम करने में, तो उनको जब आर्टिफिशियल पैर दे दिया जाता है, हाथ दे दिया जाता है, बैसाखी दे दी जाती है, तो वो नॉर्मल आदमी की तरह काम कर पाते हैं। दो साल के बाद लगा है तो उसमें भीड़ बढ़ने की संख्या उम्मीद है, उम्मीद है। कल मौसम बहुत ख़राब था, फिर भी 60 से ऊपर आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ, और आज भी अभी शुरू हुआ है, अभी तो मौसम अभी तो 3-4 बजे तक, तो 2-3 बजे तक काफी लोग आ जाएंगे। नवयुवक समिति सभागार में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा शरद यादव और नंदू बाबू के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता शाहू भोपाल भारती एवं पूर्व विवेक कुमार की ओर से शुक्रवार को सरैयागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट की सभागार में समाजवादी नेता शरद यादव और नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता नंदू बाबू एवं समाजवादी नेता शरद यादव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए दोनों महान आत्माओं के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार ने कहा कि नंदू बाबू शहरवासियों के दिल में बसते थे, उन्होंने हमेशा सामाजिक क्षेत्र में काम किए हैं, उन्होंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, वह एक उच्च व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनके जैसा महान आत्मा कभी कभार ही धरती पर जन्म लेती है। वहीं समाजवादी नेता शरद यादव भी अपने कार्यकलापों से देशवासियों के दिलों में बसते हैं, उन्होंने भी देश हित में कई काम किए हैं। शरद यादव एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में सभी लोगों को साथ लेकर चला और सभी लोगों की बात की। आज नंद कुमार शाह और नंदू बाबू जो राय बहादुर टुनकी शाह के दानवीर राय बहादुर टुनकी शाह के परपोता थे, राय बहादुर तो जरूर उनके दादा परदादा रहे, लेकिन नंद कुमार शाह ने अपने जीवन को मुजफ्फरपुर के आम लोगों के बीच में देने का काम किया, और उनके अंदर उनके दिलों में दिमाग में मुजफ्फरपुर बसता था, मुजफ्फरपुर के लोग बसते थे, दलितों गरीबों शोषितों पीड़ितों के बीच वो शख्स इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी इतना चर्चित रहा अपने कर्मों से, अपने कृत से, अपने कार्य से, कि आज सारा शहर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उतावला है। कल उनकी शवयात्रा थी, पूरा शहर के आंखें भींगी हुई थी और उनका शवयात्रा निकल रहा था, आज उन्हीं की श्रद्धांजलि सभा है। और इसी बीच दुर्भाग्य है कि महान समाजवादी नेता शरद यादव, जिन्होंने बिहार की राजनीति को एक अलग अंजाम देने का काम किया, वो ऐसे सांसद जो लोहिया के विचारों से ओतप्रोत होकर और समाज में एक अलग छवि बनाकर, वो भी गरीब दलित और शोषितों के बीच में अपने कृत कार्यों से इतने पूरे पॉपुलर हुए कि पूरा राष्ट्र आज उनको भी नमन कर रहा है, वैसे शरद यादव जी की भी श्रद्धा। रामचरित्र मानस पर शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान पर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में मंत्री के खिलाफ परिवाद दायर किया। बिहार का शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने डॉक्टर चंद्रशेखर पर 505, 504, 506, 153, 295 के तहत मनु स्मृति तुलसीदास रचित रामचरितमानस एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक माधव सदाशिव गोलवरकर लिखित बंच ऑफ थॉट्स के खिलाफ नफरत फैलाने का बयान दिए जाने को लेकर परिवाद दायर किया। परिवाद को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 25 जनवरी को निर्धारित की है। परिवाद से शिक्षा मंत्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। न्यायालय MP MLA के जज श्री विकास मिश्रा जी की अदालत में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज कराया है। हमने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा 11 जनवरी को पटना में नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के दौरान रामचरितमानस
पर जो आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह ग्रंथ नफरत फैलाता है, इसके साथ ही कुछ जाति संबंधित विवाद भी उन्होंने पैदा किया है और नफरत फैलाने का कार्य किया है, इसी को लेकर के हमने यह मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें IPC की धारा 153, 295, 296 के साथ साथ 504, 505, 506 के तहत दर्ज मुकदमे में हमने कहा है कि जानबूझ करके साजिश के तहत करोड़ों हिंदुस्तान के हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने, नफरत फैलाने के उद्देश्य से इस तरह का इनका बयान आया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 25 जनवरी की तिथि सुनवाई हेतु मुकर्रर की है। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन, दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों के बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नी लाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाइएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40000 तक चले जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशन आर ओपन
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गायघाट थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 119 लीटर शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी तो है, लेकिन जो शराब के तस्कर है वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी में लगे हैं, लेकिन पुलिस भी कभी कारोबारियों के मंसूबों पर पानी फेरती नजर आ रही है। वहीं तस्कर कभी ट्रक तो कभी बड़े वाहनों में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करते पकड़े जाते हैं, लेकिन गायघाट पुलिस ने क्षेत्र के बबुड़बनी के समीप वाहन जांच के दौरान एक कार की तलाशी ली तो उक्त कार के अंदर कई जगह तहखाना बना हुआ था और पुलिस ने कार से सैकड़ों ट्रेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद किया है, साथ ही 4 लोगों को भी धर दबोचा। बताया गया कि कार उत्तर प्रदेश से दरभंगा जा रही थी, तभी गायघाट पुलिस ने धर दबोचा। गायघाट थाना अध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने फोन पर जानकारी दी कि लगभग 119 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है, साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अपराध नियंत्रण को लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस ने सघन वाहन जाँच अभियान चलाया। जिले में अपराध पर नियंत्रण को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत यातायात थाना के गुरुवार को शहर के कई स्थानों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान इमली चट्टी चौक पर लगभग 18 मोटरसाइकिल का चालान काटा, वाहनों के डिक्की की भी जांच की गई। अपराध नियंत्रण को लेकर के जिले में हर थाना क्षेत्र में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, खासकर बिना नंबर वाले वाहन एवं ट्रिपल लोडिंग मोटरसाइकिल पर विशेष नजर रखी जा रही है। वाहनों के कागजात के साथ साथ चालक के कमर और डिक्की की भी तलाशी ली गई। यातायात थाना के दरोगा सदर आलम ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग वैसे वाहन की चेकिंग करते हैं जिनके आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं है या फिर ट्रिपल लोडिंग है। चेकिंग के दौरान हेलमेट और डिक्की भी चेक किया जाता है। डिक्की में कुछ संदेहास्पद सामान निकलने पर इसकी सूचना हम लोगों को वरीय अधिकारियों को देना है। इसी के तहत लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये अभी तक के 27 गाड़ी का चलान हुआ है। ये हमारे वरीय पदाधिकारी खास करके हमारे SSP सर के आदेशानुसार और भारत सरकार के नियमों के अनुसार ये चलान काटा जा रहा है और हमारे थाना अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार
जैसे हम लोग बाइक का फोर व्हीलर का चेक करते हैं, बाइक में आगे नंबर नहीं पीछे नंबर नहीं और ट्रिपल लोडिंग हो उसको हम लोग सख्ती से देखते हैं, और डिकी भी चेक करते हैं जिस पर संदिग्ध है उसका, हम बर्दन का भी तलाशी करते हैं, बॉडी का भी, अगर उस तरह का कुछ भी हम लोग को पाया जाता है तो हम लोग थाना में तुरंत सूचित करते हैं और भेज दिया जाता है। जी जी अभी 17 तक चलेगा, ये भारत सरकार के कानून के अनुसार 17 तक चलेगा। प्रेस लिखा हुआ गाड़ी का भी चलान किया गया है। प्रेस किया गया, जो गाड़ी का चलान हुआ है वो प्रेस के आदमी नहीं थे, वो गलत थे, ऐसा ही प्रिंट किए हुए थे, हम लोग उसका कार्ड सब कुछ चेक किए, कहीं पे भी कुछ नहीं था। अभी तक के नहीं मिला है। शिक्षा मंत्री द्वारा विवादित बयान दिए जाने के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस और मनुस्मृति को दिए गए विवादित बयान का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को जिले में एक तरफ जहां भाजपा लगातार नीतीश सरकार पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर दबाव बना रही है, वहीं दूसरी ओर जिले के एमपी एमएलए विशेष न्यायालय में शिक्षा मंत्री के खिलाफ 3 परिवाद दायर हुआ है। पहला परिवाद विश्व हिंदू परिषद की जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी भरतिया ने दायर कराया है, जिसमें उन्होंने जुर्म दफा 295 ए 298 504 और 503 ए और बी में परिवाद दायर करते हुए शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने एवं सभी समुदाय की धार्मिक एकजुटता पर प्रहार करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया है। परिवाद को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है। लगातार दायर हो रहे परिवाद से शिक्षा मंत्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हमने जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद की हैसियत से, मैं कृष्ण मुरारी भरतिया, मैंने मुख्य दंड न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में एक परिवाद दायर किया है बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पर। इन्होंने परसों जो बयान दिया है वह बयान, इनका बयान है कि श्री रामचरितमानस समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करता है और यह नफरत फैलाने का काम करता है। लाखों करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव श्री रामचंद्र जी का, जिनमें वर्णन है, और संत तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह श्री रामचरितमानस आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं के बीच आस्था का ये एक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के बारे में उल जलूल और अनलगल और जहरीला बयान देकर इन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को जानबूझकर ठेस पहुंचाई है, और इससे इन्होंने समाज में चाहा, इनकी मंशा है इससे समाज में विद्वेष फैले और समाज में 295 ए 298 ए 153 ख भारतीय दंड विधान के अंतर्गत केस दर्ज की गई है। जिन्होंने परिवादी ने जो बयान दिया है वो इन्हीं धाराओं के संगत धाराओं में यह केस दर्ज की गई है। यदि मामला सत्य पाया गया तो क्या, यदि मामला सत्य पाया जाएगा तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न्यायालय द्वारा की जाएगी। शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ पुरोहित महासभा के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरित मानस पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में पुरोहित महासभा की ओर से महंत अभिषेक पाठक ने भी बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के खिलाफ 153 ए 153 बी 295 298 505 आईपीसी के तहत परिवाद दायर करते हुए करोड़ों हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया है। परिवाद को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 25 जनवरी को निर्धारित की है। लगातार दायर हो रहे परिवाद से शिक्षा मंत्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चंद्रशेखर यादव जी, जो कि लगातार 3 दिनों से ये बयान देते आ रहे हैं कि रामचरितमानस जो है वो विवादित ग्रंथ है, और इसको सुनते सुनते हम लोग का मतलब कि मानसिक जो है हम लोग
तनाव में चले गए, जिसके कारण आज मजबूर होकर न्यायालय में हम लोग गुहार लगाए हैं कि ऐसे ऐसे मूर्ख को जो शिक्षा मंत्री बना दिया गया है उनको तो सबसे पहले मंत्रिमंडल से हटाया जाए, और इनको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि रामचरितमानस क्या है तो आए मेरे पास, मैं इनको पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा कि रामचरितमानस है क्या। आज के डेट में करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर ये ठेस पहुँचा रहे हैं, जिसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, और माननीय न्यायालय से गुहार भी हम लोग लगाए हैं, इसका इंसाफ हम लोग को मिलेगा, ये न्यायालय पर हम लोग को पूरा उम्मीद है। क्या उम्मीद? 53A, 53B, 295, 298, 505 हमारे ये शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जो हैं, जो रामचरितमानस के बारे में गलत अपभ्रंश फैला रहे हैं, जिस पर ये केस किया गया है, मानस को ये तो जानते नहीं है कि मानस है क्या चीज़। मानस हमारे रामचरितमानस, मानस में एक जगह लिखा हुआ है कि राम जी कहते हैं कि हमारे राजपाट के दौरान अगर हम पे भी कोई अपने प्रजा से कहते हैं कि हम भी ऐसा कोई अपराध कर लें तो आप लोग बिना डरे बिना निसंकोच आप लोग हम पे वो कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे राजा जो प्रजा को प्रजा न समझते हुए अपना परिवार समझ के काम करता है, और राजपाट चलाने का अगर सही तरीका है तो रामचरितमानस पढ़िए, और राजपाट चलाने का सही आपको कैसे राजपाट चलाया जाता है ये पता चल जाएगा। और ये लोग जिनको शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जहां हिंदू धर्म को इतना शर्मसार किया जा रहा है, जहां आप रामचरितमानस के बारे में अपने बच्चों को बता नहीं रहे हैं लेकिन उसका गलत अपभ्रंश फैला रहे हैं। तो पहले आप मानस को पढ़िए, मानस को जानिए, समझिए, उसके बाद मानस पे। मिठनपुरा स्थित वृद्धाश्रम में इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के सदस्यों द्वारा वृद्ध लोगों के साथ मकर संक्रांति मनाई गई। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को मिठनपुरा के सर सीपी लेन स्थित वृद्धाश्रम में इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी की ओर से मकर संक्रांति मनाया गया। इस दौरान वृद्ध आश्रम में रह रहे लोगों को तिलकुट खिलाकर खुशी मनाई गई। वहीं क्लब की ओर से मकर संक्रांति के लिए वृद्ध आश्रम को चावल, दाल, चूड़ा, तिलकुट आदि सामग्री उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष वंदना लक्ष्मी ने बताया कि हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर क्लब की ओर से वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों के साथ त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष क्लब ने फैसला लिया है कि प्रतिदिन 2 लीटर दूध और चीनी चाय पत्ती आश्रम को दी जाएगी। इसके अलावा हर त्यौहार में क्लब के सदस्य वृद्ध आश्रम में आकर पर्व मनाएंगे। वृद्धाश्रम में आए हुए हैं आज हम लोग संक्रांति के पूर्व संध्या पर, इसलिए कि कल संक्रांति और परसों संक्रांति मनाई जा रही है। वृद्धाश्रम में अक्सर हम लोग आते रहे हैं काफ़ी पहले से भी, और यह वृद्धाश्रम जब से खुला है उसमें हम लोगों का सक्रिय योगदान रहा है, और हम लोग वर्ष भर के लिए हम लोगों ने यह भी तय किया है कि 2 लीटर पर डे दूध हम लोग यहाँ दिया करेंगे, चीनी चाय पत्ती भी दिया करेंगे। उसके अतिरिक्त संक्रांति के अवसर पर आज सभी लोग संक्रांति के लिए खिचड़ी जो होता है, चावल है, दाल है, चूड़ा है, दही है, तिलकुट है, गुड़ है, इत्यादि लेकर के सभी बहनें आई हैं, और हम लोग यहाँ बैठ करके हम लोगों ने इन लोगों के साथ अपनी भावनाओं को भी शेयर किया। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने घर से बहुत दूर हैं, जो निराश्रित हैं, इनको कोई देखने वाले नहीं है, तो इन लोगों के साथ इनकी भावनाओं को शेयर करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अपने हाथों से हम लोगों ने इनको तिलकुट खिलाया और इनकी भावनाओं को बांटा, और पर्व त्यौहार पर हम लोगों ने यह तय भी किया है कि करीब करीब हर त्यौहार पर हम लोग इनके साथ आकर के अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे, उनकी भावनाओं को जानेंगे, इससे उनको भी अच्छा लगेगा और एक पारिवारिकता का एहसास होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।